नमस्कार दोस्तों, आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीखेंगे। चलिए अब हम इसकी परिभाषा जानते हैं। वह शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से जाना जाता है। इन्हें वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के महत्व। इससे हम अपनी बात को कम शब्दों में कहते हैं, जिससे कि भाषा अच्छी लगती है। इनकी मदद से भाषा प्रभावशाली बनती है। इससे हम अपनी बात संक्षिप्त रूप से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इनकी मदद से वाक्य छोटे और चुस्त रहते हैं। आइए अब हम कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जानते हैं। जो वर्ष में एक बार हो, उसे हम कहते हैं वार्षिक। जो सेना में काम करता हो, वह होता है सैनिक। जहां रोगियों का इलाज होता हो, उस जगह को हम अस्पताल कहते हैं। जो सिर्फ मांस खाता हो, उस व्यक्ति को हम मांसाहारी कहते हैं। जो सिर्फ फल सब्जियां खाता हो, वह व्यक्ति शाकाहारी कहलाता है। इतिहास से संबंध रखने वाला यानी ऐतिहासिक। जिससे खतरा हो, वह होता है खतरनाक। जो कपड़े सिलता है, वह दर्जी कहलाता है। जो साथ पढ़ता है, वह होता है सहपाठी। जो छोटा भाई हो, वह होता है अनुज। जहां जाना कठिन हो, वह स्थान होता है दुर्गम। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस पे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।